हे हेदा लुवीज हव यू ऑल कैसी है मेरी लविज आर्डमी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चलिए फटाफट तीन बार अपने स्पेशल पर्सन का नाम लीजिए थ्री टाइम्स अपने स्पेशल पर्सन का नाम लें चेक करते हैं इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो आपके स्पाउस हो सकते हैं आपके लवर हो सकते हैं आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं आपके एक्स हो सकते हैं आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है कोई भी एक स्पेशल पर्सन तीन बार उनका नाम ले मनी मन देखते हैं इस वक्त वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं ध्यान रखें रीडिंग्स जनरल है हो सकता है आपको रेजोनेट करे हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त क्या सोच रहे हैं क्या अब रिलेशनशिप में नया मोड आने वाला रहा है ओके okay, जजमेंट का आज के लिए कार्ड बहुत आ रहा है गाइस बहुत आ रहा है इफ़ यू रिमेंबर अगर आप रोज़ देखते हैं आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं फेस रीडिंग पे भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जजमेंट का कार्ड बहुत आ रहा है ओके वी हैव जजमेंट वी हैव किंग ऑफ सोट्स वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द डेविल एंड लास्ट वी हैव द एम्प्रेस बॉटम डेक हमारे पास आया है टेन ऑफ वॉन्ट्स का ओके okay. आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं परफेक्ट चलिए डिवाइन गाइड करें जजमेंट का कार्ड यहाँ क्यों है जजमेंट का कार्ड यहाँ क्यों है किस बारे में सोच रहे हैं पार्टनर किस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं पार्टनर डिवाइन गाइड करें फोर ऑफ़ पेंटिकल्स क्या बात है किंग ऑफ सोट्स का क्या मैसेज है डिवाइन किंग ऑफ सोट्स का क्या मैसेज है किंग ऑफ सोट्स का क्या मैसेज है डिवाइन किंग ऑफ सोट्स का क्या मैसेज है सेवन ऑफ पेंटिकल्स ठीक है नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है डिवाइन वाओ टू ऑफ कप्स जिसका बहुत समय से इंतजार था आप में से बहुत सारे लोग मीटिंग डिजायर कर रहे हो क्या मिलना चाह रहे हो ऐसा लग रहा है मीटिंग चाह रहे हो मिलना है बात करना है ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आज द डेविल का इंडिकेशन, डिवाइन गाइड करें द डेविल का इंडिकेशन क्या मैसेज दे रहा है द डेविल का इंडिकेशन, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स ओके एंड लास्ट वी हैव द एम्प्रेस का इंडिकेशन क्या है डिवाइन द एम्प्रेस का इंडिकेशन, द एम्प्रेस का इंडिकेशन क्या है किंग ऑफ पेंटिकल्स ओके एंड लास्ट बॉटम डेक हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स ओके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग बस दिल से ये इच्छा कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए हमारी मीटिंग हो जाए हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो जाए अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो जाए मतलब बहुत सारे लोग ना दिल से ये ख्वाहिश रखकर बैठे हुए हैं कि हम लोग कब मिलेंगे हमारी कब बातचीत होगी हम लोग कब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे मतलब एक ना अंदर से एक इच्छा है जो आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो या अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी डिसीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी न किसी डिसीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कोई डिसीजन आपको बोलना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ ये कन्फेस करना चाहते हैं कुछ ना कुछ ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं मे बी पॉसिबल ये कन्फ्रंट करने वाली बात फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती है क्योंकि मुझे ना फ्यूचर का इंडिकेशन ज़्यादा दिख रहा है कि ये तो कुछ या बातें कन्फेस करना चाहते हैं या कुछ बातें बोलना चाहते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए मुझे अभी इस वक्त एक डिसीजन बनाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में आपके साथ रिलेशनशिप में या तो कमिटमेंट के बेसिस पर या फ्यूचर ऑफ़ द रिलेशनशिप के बेसिस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये जो पिछला कुछ समय गया है मे maybe... बी पास्ट uh, कुछ मंथ्स में पार्टनर ने हो सकता है आपको बहुत ब्लेम करा हो चीज़ों के लिए या आप लोग के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसकी वजह से यू you नो know, इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश करी पीछे हो गए होंगे या कोई थर्ड पार्टी आई होगी जिसकी तरफ ये बहुत अट्रैक्ट हो गए हो गए होंगे यू नो जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ गया होगा आप दोनों के बीच में और मुझे ऐसा फील होता है कार्ड्स की एनर्जी को देखते हुए कि ये पर्सन आने वाले समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन मिलने मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं ये पर्सन रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिल ही दिल में इनकी एक इच्छा है कि यार मिलना है कम्युनिकेट करना है रिजॉल्व करना है यू you नो know, टाइम स्पेंड करना है एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सामने से माफ़ी मांगे यू you नो know, जो भी इनके पास्ट एक्शंस रहे हैं नेगेटिव एक्शंस रहे हैं उसको लेकर ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं क्योंकि करेंटली देखा जाए कि इनके अंदर ना बस एक अंदर एक फ़ास्ट एक ना पैशनेट वाली एनर्जी दिख रही है कि मुझसे बात करो मुझसे कम्युनिकेट करो मुझसे मेरे साथ चीज़ें रिजॉल्व करो या मेरे साथ यू नो बातचीत करके चीज़ों का हल निकालो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट टाइम में चीज़ों के प्रति बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे या आपको कमिटमेंट देने से डर रहे होंगे या बर्डन फील कर रहे होंगे वो फैमिली का भी इंडिकेशन हो सकता है यू you नो know, जिसकी वजह से कन्फर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये पर्सन डिसीजन लेंगे अब ये पर्सन सामने से आएंगे ये बात करेंगे और ये चीज़ों को भी रिजॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी मीटिंग का भी इंडिकेशन है कम्युनिकेशन का इंडिकेशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यू नो इनको लग रहा है कि मुझे बात करना है या मुझे बस रिजॉल्व करना है चीज़ों को अब फ्यूचर की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेडली दिखाई दे रही है जितना रिस्ट्रिक्शन का समय था या जितना इन्हों इनको अपने आप को रोकना था बात ना करने से या कम्युनिकेट ना करने से मुझे लगता है कि अब ये उस चीज़ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब ये एफर्ट्स लगाते हुए इस रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे हैं। बट ट्रस्ट मी माई डियर जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो जिस तरीके से आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को ये पर्सन के अंदर भी वही पैशनेट एनर्जी है ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप को चाहते हो या आपको ही आगे बढ़ना है मे बी कुछ पास्ट का समय बहुत ही ज्यादा खराब रहा होगा जहाँ पर ये बिल्कुल पीछे हट गए होंगे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे होंगे चीज़ों को सही नहीं कर रहे होंगे यू you नो know, बेटरमेंट नहीं कर रहे होंगे बट अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो ये पर्सन मुझे चीज़ों के प्रति इनिशिएटिव लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं एफ़र्ट्स लगाते हुए अब दिखाई दे रहे हैं मैंने कहा ना रियलाइजेशन सब कुछ हमारे फेवर में ला देता है कितनी भी चीज़ें नेगेटिव क्यों ना हो एक जब इंसान को एहसास होता है रियलाइजेशन होता है वो अपने आप को खुद यू नो सही करने लग जाता है तो मे बी पॉसिबल वो रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है जिसकी वजह से अब ये रिस्पॉन्ड करने आ रहे हो या ये बात करने आ रहे हो तो एज पर द करंट एनर्जीज ये पर्सन फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन बनाने वाले हैं या आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं इनके दिल में आप बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हो बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं आपको आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और मुझे आज सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या हमारा फ्यूचर है या नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं तो ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कारेंटली और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में ये कोई एक डिसीजन बना सकते हैं या ये पर्सन सामने से यू नो किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो पीछे बिल्कुल भी मत हटिएगा ठीक है जितने भी लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं अगर आपको रेजोनेट हो रहा है अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप के लिए ट्राई करना स्टार्ट करने वाले हैं करने क्या वाले हैं मैं तो सोचती हूँ कि अब इन्होंने अपना माइंड क्लियर कर लिया है सो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है एक अच्छी हैप्पी न्यूज़ है तो आप इस न्यूज़ को चेरिश करिए इन्जॉय करिए टाइम स्पेंड करिए कम्युनिकेशन करिए क्योंकि बहुत मेजर डिसीजन ये लेने वाले हैं रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है देखो सबके सिचुएशंस अलग हैं सबके रिलेशनशिप की सिचुएशंस अलग चल रही हैं किसी की नो no कांटेक्ट है किसी का सेपरेशन है किसी का कोई न्यू पर्सन तो सबके लिए यू नो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट तो रीडिंग्स आर जनरल ये आपको एक गाइडेंस देने के लिए एक मैसेज देने के लिए कि जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज ऐसी इस वक्त आपके लिए चल रही है सो so, yeah, या ये आज का गाइडेंस है मिलते हैं रात को नौ बजे न्यू वीडियो के साथ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट राधे राधे